हाय दोस्तों, आज जो है मैं अपनी महिंद्रा टीवी में करने वाला हूँ अंडर बॉडी कोटिंग। एंड मैं पहले दिखाता हूँ इस कार को, जो है ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं, ज़्यादा चली नहीं है, बट रस्टिंग एरियाज अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ये देखिए, और ये टाटा महिंद्रा दोनों में ही जो है ये प्रॉब्लम रहती है। ये देखिए, रस्टिंग की प्रॉब्लम होती ही है। ये देखिए रस्टिंग का पूरा एरिया। ये देखिए, अंडर बॉडी कोटिंग करने की क्यों जरूरत होती है, ठीक है। और ये महिंद्रा में, टाटा में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये पूरा चेसी है, चेसी के अंदर भी, रेयर में पहले मैंने करा रखी है, बट अगेन 2-2.5 साल बाद जो है दोबारा से अगर आप देखेंगे तो रस्टिंग जो है आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें पूरा अंडर बॉडी कोटिंग करने वाले हैं, जिससे कि रस्ट की प्रॉब्लम जो है कुछ टाइम तक बची रहे। तो दोस्तों, जो अंडर बॉडी कोटिंग करने वाले हैं, जो आपने रस्टेड पार्ट देखा, उसके लिए हम करने वाले हैं टर्टल वैक्स। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, तो इसको ट्राई करते हैं। दोस्तों, अंडर बॉडी कोटिंग का पूरा प्रोसेस जो है डन हो चुका है। मैं आपको अभी रिजल्ट दिखाता हूँ कि एक्चुअल में रिजल्ट कैसा आया। एंड थिकनेस भी बहुत अच्छी आई हुई है। ये देखिए, पूरा जो है अंदर से जितने भी रस्टेड पार्ट थे, बिफोर और आफ्टर अगर आप देखेंगे तो अंडर बॉडी पूरी तरीके से जो है कर दिया गया। एंड मैं आपको थिकनेस दिखाने करता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ एक जगह ट्राई किया था। ये देखिए थिकनेस कितना होता है, आपको थोड़ा सा थिकनेस का आइडिया हो जाएगा। ये पेंट नहीं होता, ये रबर कोटिंग होती है पूरी, जिससे कि आपका पूरी कार जो है प्रोटेक्टेड भी रहेगी। एंड अगर पत्थर वत्थर कुछ भी लग रहा है तो एक अच्छा सा कुशनिंग इफेक्ट भी देता है। ये देखिए, इधर नीचे में भी था,
तो ये पूरा एरिया जो है किया गया है टायर वायर के साइड में। ये प्लास्टिक एरिया है तो यहाँ पे नहीं किया गया, बट बहुत सारी कार्स में यहाँ पर जो है मेटल एरिया होता है, तो यहाँ पे कंपलसरी करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या टायर के सारे पत्थर और डस्ट लगते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रस्ट लगने के चांसेस होते हैं। रेयर में ये देखिए पूरा अंडर बॉडी कोटिंग, नीचे से भी अगर आप देखेंगे पूरा आपको दिखाई देगा। इस साइड में भी ये देखिए पूरा। तो दोस्तों आप देखते हैं अभी अंडर बॉडी कोटिंग का पूरा प्रोसेस हो चुका है, अभी इसको कम से कम 4 से 5 घंटा सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि थिकनेस वाला मटेरियल है। एंड दोस्तों इसका बता दूं, लाइफ के बारे में बहुत लोग पूछेंगे इसकी लाइफ कितनी होती है, तो वैसे कंपनी 2 ईयर्स की वारंटी देती है इस पर, बट ये आराम से 5 साल चल जाता है, बट एवरी आप जो है कम से कम अगर आप 2-3 साल में एक बार जो है चेक जरूर करा लीजिए, इंस्पेक्शन करा लीजिए, कहीं से कोई रस्ट तो नहीं लग रहा, या फिर कोई पिल ऑफ तो नहीं हो रहा, या फिर चिप पपड़ी बनकर निकल तो नहीं रहा, ये सब आपको इंस्पेक्शन कराना होता है। जब भी आप ऐसी जगह पर वॉश कराते हैं जहाँ पर लिफ्ट है ना, तो वहाँ पर जरूर चेक करवा लीजिए कि नीचे कहीं रस्टिंग तो नहीं आ रही आफ्टर दिस प्रोसेस। तो दोस्तों पूरा वर्क जो है बहुत अच्छा हुआ है अंडर बॉडी कोटिंग का। आई नो अब लोग बहुत पूछेंगे कि इसका प्राइसिंग क्या आया हुआ है, तो दोस्तों मैंने जो प्राइस पे किया हुआ है वो 4,200 रुपीज़ है, बिकॉज इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा गया है एंड रस्ट आपने देखा था बहुत ज़्यादा एरिया में लगा हुआ था। तो दोस्तों बाकी छोटी अगर कार है आपके पास, हैचबैक कार है, तो 2,500 रुपये का मान लीजिए, एंड बड़ी कार है तो ये 5,000 तक भी जाता है, बट डिपेंड करता है इंस्पेक्शन के ऊपर। कई बार नई कार होती है तो वहाँ पे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ज़्यादा रस्टेड पार्ट है तो वहाँ मटेरियल और थिकनेस ज़्यादा लगानी पड़ती है, जगह जगह करना पड़ता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड इंस्पेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपका मटेरियल लगने वाला है और कितने रस्टेड पार्ट है, तो वो चेक करवा के आप इंस्पेक्शन से पहले ही कोटेशन ले सकते हैं कितना आपका जो है कोट प्राइस आने वाला है। दोस्तों यहाँ वीडियो कंड करते हैं, फिर भी अगर आपका कोई डाउट इंक्वायरी है तो कमेंट सेक्शन रोल ओपन है, ध्यान रखिए और देखते रहिए वीडियो, ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपके लिए आती रहेंगे। बाय। It's not a game, it's a rage game.